दोस्तों वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि सभी लोग ठीक होंगे। एंड आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के उन कैंडिडेटों के ऊपर बात करेंगे जिनका सिलेक्शन रेलवे ग्रुप डी में नहीं हुआ, ठीक है, किसी भी कारण से, चाहे वो एग्ज़ाम अच्छे से नहीं गया हो, तैयारी अच्छे से नहीं हो पाया हो, या फिर कोई और रीज़न फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हो गया। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप पहले ही इस चीज़ से उभर गए होंगे, ठीक है, और आगे अपने जो भी गोल होगा, नेक्स्ट गोल, उस पर वर्क कर रहे होंगे। इतना हम एज्यूम करते हैं आपके लिए, इतना हम मान के चलते हैं। लेकिन फिर भी हमको इस पर कुछ बोलना है, क्योंकि हम कभी भी इस पर कभी भी कुछ बोले नहीं कि जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया उस उनका क्या, जिनका हो गया वो तो ठीक है, लेकिन जिनका नहीं हुआ उनका क्या। तो देखिए, इसमें मेरा क्या मानना है और किस तरह से हम सोचते हैं, और आपको भी इस तरह से सोचना चाहिए। देखिए, हम किसी को आप खुद ये सोचिए कि आपको सक्सेस नहीं मिला, ठीक है, आप सक्सेसफुल नहीं हुए, या हम क्या बोलेंगे आपको? ये थोड़ी हम बोल सकते हैं कि आप सक्सेसफुल नहीं हैं। किसी को इंसान को आप नहीं, आप खुद किसी भी इंसान को सक्सेसफुल है कि नहीं है ये आप नहीं बोल सकते, ठीक है। जैसे कोई आप सक्सेस आप खुद को कैसे सक्सेसफुल मानते हैं? अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे थे, आपका ड्रीम था रेलवे की जॉब पाना, आपका ड्रीम था कि आपकी कोई भी जॉब, चाहे छोटा ही जॉब हो, कोई दिक्कत नहीं, अगर गवर्नमेंट जॉब है तो वो लेना है, वो आपका ड्रीम है, आप उसके लिए सालों मेहनत किए हैं, ठीक है, फिर भी वो आपको नहीं मिला, या किसी इंसान जो जिनको नहीं मिला जो कि मेहनत किया था, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो उसको कुछ नहीं आता है, वो फेल्योर है, वो मतलब फेल हो गया ज़िंदगी में, अनसक्सेसफुल इंसान है, इस तरह का कुछ नहीं बोल सकते हैं। क्या है कि मतलब देख रहे हैं ना, गैप बहुत कम होता है, कुछ नंबर के कारण उनका छूटा होगा, ज़रूरी नहीं है कि उनका वो उसको हम अनसक्सेसफुल बोल देंगे। आने वाले टाइम में क्या पता वो अच्छे से प्रिपरेशन करे, CGL निकाल ले, ठीक है, या फिर कोई और भी तरह से वो अपने फील्ड में कुछ अच्छा कर जाए, कोई नहीं कह सकता। तो फिर उसको आप सक्सेसफुल बोलिएगा, अभी अनसक्सेसफुल बोलिएगा, तो सक्सेसफुल कोई है या नहीं उसका उसको वो हम लोग बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। बस इतना फर्क है, आपको आप अभी जो सोच रहे थे, जिसके लिए मेहनत कर रहे थे, वो मिल गया तो आप खुद को मानते हैं कि हम सक्सेसफुल हैं, ठीक है। और जो किसी को नहीं मिला, उसको थोड़ा टाइम लग गया, तो अभी आप मानिएगा कि वो अनसक्सेसफुल है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, उनको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। जो वो चाहा था, जिसके लिए मेहनत किया, उसको वो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अभी आपका गोल कोई नेक्स्ट गोल होगा, तो ये गोल नहीं मिला, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि नेक्स्ट गोल हमारा नहीं मिलेगा, या इसके बाद है कोई गोल हम जो अपने में एज्यूम करेंगे कि अब हमको ये चाहिए और उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो कोई ज़रूरी ये नहीं मिला तो ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं है, कोई ना कोई तो मिलेगा, बस टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, वही ना। तो होता है, कोई नहीं, आप एक ही बार में हमेशा सक्सेसफुल नहीं हो सकते ना, हर जो चीज़ हम सोचे वो मिल जाए ऐसा तो है नहीं, हम लोग मेहनत करते हैं, कुछ टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। और आप मान के चलिए कोई दो इंसान है, ठीक है, पहला इंसान जिसका ग्रुप डी के लिए दोनों तैयारी कर रहा था, पहला इंसान जॉब के लिए उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, दोनों जॉब के लिए तैयारी कर रहा था और सेम बैचमेट है और तैयारी कर रहा है, ठीक है, इसको ग्रुप डी में जॉब लग गया, वो 2 साल से पढ़ रहा था दोनों साथ में, इसको ग्रुप डी में जॉब लगा, इसको नहीं लगा, ठीक है, ये तो अब काम करना स्टार्ट कर दिया और कुछ अर्निंग स्टार्ट हो गया। इनका क्या है, तो इनका लाइफ में भी प्रॉब्लम है कि फाइनेंशियली, लेकिन ये मेहनत कर रहा है फिर और उसके लाइफ में, और ये मतलब जॉब के लिए ही तैयारी कर रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली, और तैयारी करता है, फिर 1 साल अगर मेहनत करता है फिर CGL निकाल लेता है, SSC CGL, ठीक है, फिर आप किसको सक्सेसफुल बोलिएगा? आप अगर यहाँ बैठ के जज कीजिएगा कि इन दोनों में कौन सक्सेसफुल है, तो अभी तो इसको बोलिएगा क्योंकि ये ग्रुप डी के लिए दोनों तैयारी कर रहा था, ये निकाल ले, लेकिन 1 साल के बाद अगर ये SSC CGL निकाल लेता है, फिर आप यहाँ खड़ा होकर क्या बोलिएगा, ये सक्सेसफुल है, ये सक्सेसफुल है? आप ऑब्वियसली बोलिएगा ये सक्सेसफुल है, ये नहीं है, क्योंकि ये ग्रुप डी में है और ये SSC CGL करके ग्रुप बी का कोई अच्छे से पोस्ट में है, ठीक है, अच्छा कमा रहा है, अच्छा लाइफ स्टाइल है, इसका नहीं है। तो यहाँ बैठ के आप जज करने वाले होते कौन हो कि ये सक्सेसफुल है कि नहीं हो है, ठीक है, वो आपके माइंड में होना चाहिए, आपको नहीं लगना चाहिए कि हम सक्सेसफुल हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं ज़िंदगी में, ऐसा नहीं है भाई, आपको बस सक्सेस मिलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्या पता ऊपर वाला आपके लिए कुछ बड़ा सोच के रखा है, जिसके लिए वो आपको कुछ छोटा नहीं दिया, ठीक है।
मेहनत करते रहिए और कुछ अच्छा होगा, ठीक है। जो भी आपका गोल है उसके लिए बस ये सोच के चलिए कि जो होगा वो अच्छा होगा, ठीक है। तो कुछ टाइम लगेगा, बस मेहनत कर रहिए, बहुत अच्छा होगा। बाय। हम भी मेहनत कर रहे हैं, हम यहाँ हैं। हम देखिए, एक हम अभी वीडियो को रखने वाले थे लेकिन एक चीज़ हमारे माइंड में आ गए। तो हम मेरे माइंड में हमेशा ये रहता है, जैसे हम अपने बैचमेंट में जो हम 2018 में अपना 12th किए हैं, ठीक है, 2019 से जॉब कर रहे हैं, तो जो हमारा बैचमेट है, जो हमारा क्लासमेट है, वो अभी पढ़ाई कर रहा है, स्टडी कर रहा है, ठीक है। हम ये सब हमेशा सोचते रहते हैं, हमारे माइंड में हमेशा ये चलता रहता है कि हम, मतलब हमारा पूरा क्लासमेट है 10 आदमी का, या जितने भी 100 आदमी हमारे बैच में थे, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कुछ लोग अपना शादी वादी करके कुछ अपना थोड़ा बहुत स्टार्ट कर लिया, लेकिन जो हमारा ग्रुप में आदमी था, कुछ 4-5 बंदा या 10 बंदा का जो ग्रुप था हम लोगों का, उसमें से सब ज़्यादातर स्टडी कर रहा है। तो हम ये सोच रहे हैं कि ठीक है, हम जॉब कर रहे हैं तो अभी तो सबकी नज़र में हम सक्सेसफुल हैं, लेकिन आने वाला कल जब वो कुछ अच्छा कर लेगा तो फिर ये सक्सेसफुल हो जाएगा, हम अनसक्सेसफुल हो जाएंगे। तो इसीलिए खुद को खुद पे मेहनत कर रहे हैं और खुद अच्छा करने का सोच रहे हैं, कुछ अच्छा और भी अच्छा और भी अच्छा, ताकि हम भी आगे बढ़ते रहें। तो इसीलिए आप भी मेहनत करते रहिए और कुछ अच्छा होगा। आपको अगर नहीं भी मिला कुछ जो आप सोचे थे, तो नेक्स्ट गोल जो भी है वो अच्छे से होगा, ठीक है। बस मेहनत करते रहिए। बाय।